इसके लिए आप सबसे पहले गूगल पर जाकर NVSP टाइप करेंगे। NVSP टाइप करने के बाद आप NVSP सर्विस पोर्टल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप फोरम नंबर 8 सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप इस फोरम नंबर 8 में यानी कि प्रारूप 8 में दी गई जानकारी भरेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको राज्य भरना है। राज्य चूज करने के बाद में आपको यहाँ दिए गए ऑप्शन में अपना जिला चूज करना होगा। जिला चूज करने के बाद में आपको यहाँ विधानसभा क्षेत्र दिया हुआ है, अपना विधानसभा क्षेत्र चूज करें। विधानसभा क्षेत्र चूज करने के बाद में आप जो अपना नाम सही करवाना चाहते हैं वो एकदम सही नाम भर दें। ये नाम अंग्रेजी में भरा जाएगा, लेकिन आप जो क्षेत्रीय भाषा में है वो अपने आप यहाँ अपना आपका नाम आ जाएगा, यानी कि आप भरेंगे अंग्रेजी में और साइड में इन रीजनल यहाँ पर ऑटोमेटिक ही हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा। यदि हिंदी में किसी भी प्रकार की जो है वो गलती रह जाती है या सही ढंग से नहीं आता है नाम, तो साइड में जो कीबोर्ड दिया गया है इसमें से आप हिंदी में से चूज करके सही कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ निर्वाचन नामावली का भाग संख्या, नामावली की क्रम संख्या और फोटो पहचान पत्र संख्या भरेंगे। उसके बाद आप जो भी गलतियाँ सुधारना चाहते हैं वो टिक कर ले। 3 गलतियों को ही आप एक बार में सुधार सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर या तो टाइप कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपका जो आयु प्रमाण है, इससे पहले आपको यहाँ अपने नातेदार का नाम में आपके पिताजी का नाम यहाँ भर दें। अगर इसमें भी किसी भी प्रकार की गलती है तो उसको एकदम सही भर दें। इंग्लिश में भरने के बाद में ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा, और यदि हिंदी में किसी भी प्रकार की जो है वो गलती है तो आप वापस कीबोर्ड पर जाकर इसको सही कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर अपना एज प्रूफ देने के लिए आपको दस्तावेज के प्रकार सिलेक्ट करने होंगे। दस्तावेज के प्रकार में आपको यहाँ से इस सिलेक्ट ऑप्शन से मिल जाएंगे दस्तावेज जो भी हैं। यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन में से आप जो है आयु प्रमाण के लिए जो भी आप दस्तावेज देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और फिर उसके बाद में चूज फाइल में क्लिक करके आप यहाँ से दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे और ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे की तरफ जो फाइल दी हुई है प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ नेम, इसमें आप नेम में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दस्तावेज देना होगा, वो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद ओपन पर क्लिक करने के बाद में वो फाइल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप एक बार फॉर्म को पूरा चेक कर ले कि किसी भी प्रकार की कोई गलती तो नहीं रह गई है। फॉर्म को ऊपर तक देख ले। इसके बाद आप नीचे दिए गए ऑप्शन भेजे में क्लिक करेंगे। इससे पहले यहाँ पे आप स्थान और डेट अपने आप आ जाएगी, और ये जो कैप्चा दिया है ये भर के भेजे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। भेजे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा।
अब आपके सामने एक रेफरेंस आईडी आएगी जिसको आप जब भी आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देखना चाहें उस समय भी ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करके ये रेफरेंस आईडी डालेंगे और हमारी जो है वो एप्लीकेशन का हम स्टेटस देख सकते हैं। यदि चाहें तो हम इस वक्त भी इस स्टेटस को देख सकते हैं। ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी रेफरेंस आईडी डालेंगे। रेफरेंस आईडी डालते ही आपको आपकी जो एप्लीकेशन है जो आपने अभी भरी है ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसका स्टेटस आपको पता चल जाएगा कि इसकी फॉरवर्डिंग कहाँ तक हुई है, कहाँ तक ये आगे बढ़ी है। जैसे हमने ये एप्लीकेशन हमारी जो रेफरेंस आईडी है ये डाल दी है और फिर उसके बाद में हम ट्रैक स्टेटस पर टिक करेंगे तो हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, सबमिटेड, BLO, अपॉइंटेड, फेल्ड, वेरीफाइड, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड। तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है, लगभग एक महीने से ज़्यादा की। तो इस प्रकार आप अपना जो है वोटर आईडी कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।